Assalamualaikum class 2. Class 2, we have done our reading and difficult words. Now I am going to translate the whole story, Farmer Ben's Boot. Farmer Ben's Boot, यानी Farmer Ben का boot. ये story उनके boot के बारे में है कि किस तरीके से उनका boot खो जाता है और फिर वो कहाँ से मिलता है. Farmer Ben had a farm. Farmer Ben के पास एक farm था. फार्मर किसे कहते हैं? किसान को कहते हैं. देखिए पिक्चर में भी बना हुआ है पेज नंबर 18 पे, एक हैट पहना हुआ पर्सन है, ये जो है फार्मर है. फार्मर बेन हैड अ फार्म. फार्मर बेन के पास एक फार्म था. एंड ऑन दैट फार्म ही हैड, और उस फार्म में उसके पास क्या क्या था? 17 काउस थी, 46 शीप थी, 39 गोट्स थी. अब काव आप जानते हैं गाय को कहते हैं, शीप भेड़ को कहते हैं, गोट्स बकरियों को कहते हैं, 62 गीस, गीस कहते हैं हंस को, यानी ये एक परिंदा है, 49 वाइट हैंस, 49 क्या थी? हैंस थी, मुर्गियां थी. अ बिग रेड रूस्टर, एक बड़ा सा रूस्टर था यानी मुर्गा था. अ कपल ऑफ हॉर्सेस, कुछ जो थी वो हॉर्सेस थी. 3 कैट्स थी उनके पास. एंड अ डॉग कॉल्ड जिंका, और उनके पास एक डॉग भी थी जिसका नाम जिंका था, यानी ये उनका पालतू जानवर था. व्हाट अ लॉट ऑफ एनिमल्स, ये कितने सारे जानवर थे. फार्मर बेन वाज अ बिजी मैन, फार्मर बेन एक बहुत ही बिजी शख्स थे, यानी वो मसरूफ रहते थे. ही हैड नो टाइम टू स्टैंड अराउंड, उनके पास खड़े होने का भी वक्त नहीं था. He was busy from early in the morning till late at night. वो सुबह सवेरे से रात तक बिजी ही रहते थे. Everywhere that Farmer Ben went on his farm, Zinka followed closely behind. वो अपने फार्म में जहाँ कहीं भी जाते थे जिंका उनके पीछे पीछे उनके साथ जाती थी. इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, जिंका रैन टू द गेट, वो गेट की तरफ दौड़ती थी, टू गेट द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर लेने के लिए, फॉर फार्मर बेन, फार्मर बेन के लिए. देन फिर, व्हेन फार्मर बेन हैड ड्रंक हिज फर्स्ट कप ऑफ टी, और जब वो अपनी पहली फर्स्ट कप ऑफ टी फॉर द डे, दिन की पहली चाय पी चुके होते थे, जिंका वुड गेट हिज बूट्स, वो उनके बूट्स ले आती थी. बूट्स हैं जो बड़े वाले जूते होते हैं, उनको बूट्स कहते हैं. यहाँ पे पिक्चर में भी पेज नंबर 18 पे पिक्चर है. यहाँ पे देखिए उनके थोड़ी नी से नीचे तक, घुटने से नीचे तक बूट्स हैं, जूते हैं, इनको बूट्स कहते हैं. और जबकि शूज़ जो होते हैं वो हमारे एंकल तक होते हैं, टखनों तक होते हैं, तो ये बूट्स जो है वो जिंका ले आती थी. फार्मर बेन हैड अ स्मार्ट पेयर ऑफ स्मार्ट ब्राउन बूट्स, फार्मर बेन के पास एक बहुत ही खूबसूरत ब्राउन बूट्स के जोड़े थे. ही वोर देम ऑल डे, वो इसे पूरा दिन पहने रहते थे. दे कैप्ट हिज फीट वार्म एंड ड्राई, वो बूट्स उनके पैर को गर्म रखते थे और खुश रखते थे. यू कुड ऑलवेज टेल वेयर फार्मर बेन हैड बीन, आप हमेशा ये बता सकते होंगे कि वो कहाँ पे हैं. बिकॉज देयर वर फुटप्रिंट्स एवरीवेयर, क्योंकि उन बूट्स की वजह से उन हर जगह फुटप्रिंट्स बन जाते थे, यानी पैरों के निशानात बन जाते थे. वन डे, एक दिन, फार्मर बेन सेट ड्रिंकिंग हिज डी, वो अपनी टी चाय, वो अपनी चाय पीने बैठ गए. ही वॉज वेटिंग फॉर जिंका टू ब्रिंग हिम हिज बूट, वो जिंका का इंतज़ार कर रहे थे कि वो उनके बूट्स लेकर आए. बट जिंका वॉज नो वेयर टू बी सीन, लेकिन जिंका कहीं नज़र नहीं आ रही थी. जिंका जिंका ही कॉल, वो जिंका को आवाज़ देते हैं. एंड आफ्टर एजेस, और बहुत देर बाद, जिंका केम, जिंका आती है. बट शी वॉज कैरिंग ओनली वन बूट, लेकिन वो तो सिर्फ एक बूट उठाए हुए थी. नाउ वेयर इज़ द अदर वन, आस्क फार्मर बेन, फार्मर बेन पूछते हैं कि कहाँ दूसरा बूट कहाँ है. जिंका सेट इन फ्रंट ऑफ हिम विद वन पॉ ऑन हिज नी,
जिंका उनके सामने बैठ जाती है और अपना एक पंजा उनके घुटने पर रख देती है। हर टेल वैग्ड और दुम हिलाने लगती है। फार्मर पेन लुक्ड ऑल ओवर द हाउस फॉर हिज बूट। फार्मर पेन पूरे घर में अपने बूट को तलाश करते हैं। जिंका लुक टू, जिंका भी ढूंढती है, बट शी कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। फार्मर बैन लुक्ड वेरी फनी दैट डे। उस दिन फार्मर बैन बहुत फनी नज़र आ रहे थे। ही वॉक्ड विद अ बूट ऑन वन फुट। उन्होंने वो एक पैर में बूट पहन के एंड अ शू ऑन द अदर, और दूसरे पैर में शू पहन के घूम रहे थे। नाउ गो एंड फाइंड माई अदर बूट, सेड फार्मर बैन टू जिंका। फार्मर बैन जिंका को कहते हैं, जाओ और मेरा दूसरा बूट ढूंढ के लाओ। जिंका रैन ऑफ टू आस्क द अदर एनिमल्स। जिंका दौड़ती हुई जाती है दूसरे जानवरों से पूछने के लिए, इफ दे हैड सीन फार्मर बैन्स मिसिंग बूट, कि कहीं उन्होंने तो फार्मर बैन का बूट नहीं देखा। जिंका वैन टू द फील्ड। जिंका फील्ड की तरफ जाती है। हैव यू सीन फार्मर बैन्स बूट, शी आस्क्स द हॉर्सेस। वो हॉर्सेस से पूछती है कि क्या तुमने फार्मर बैन का बूट देखा है। नह नह, दे सेड वी हैवेंट। वो अपनी आवाज़ निकालते हैं वो घोड़े और कहते हैं हमने नहीं देखा। जिंका आस्क्स द काउस। जिंका काउस से पूछती है, हैव यू सीन फार्मर बैन्स बूट, क्या तुमने फार्मर बैन का बूट देखा है। नो सेड द काउस, स्विशिंग देयर टेल्स। वो अपने दुम को तेज़ी से हिलाते हुए कहती हैं, नहीं हमने भी नहीं देखा। फार्मर बैन वेंट हॉपिंग ऑल ओवर द फार्म। फार्मर बैन अब पूरे फार्म में कूदते हुए फिर रहे होते हैं। लीविंग फनी फुटप्रिंट्स इन द मड, और कीचड़ में अजीब अजीब से अनोखे फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान बना रहे होते हैं। स्क्वेल्च स्क्वेल्च स्क्वेल्च, और उनके पैरों से ये आवाज़ें निकल रही होती हैं। जिंका डिड नॉट गिव अप। जिंका हार नहीं मानती। शी वेंट टू सी द हैंस। वो मुर्गियों के पास जाती है। हैव यू सीन फार्मर बैन्स बूट, शी आस्क्ड। वो पूछती है, क्या तुमने फार्मर बैन का बूट देखा है। दे डिड नॉट आंसर। वो जवाब नहीं देती। दे वेंट ऑन स्क्रैचिंग, और वो अपने पैरों से अपने पंजों से चलती हुई चली जाती हैं। देन जिंका आस्क्स द 46 शीप्स। फिर वो 46 शीप्स से पूछती हैं यानी भेड़ों से पूछती हैं। द 39 गोट्स, बकरियों से पूछती हैं। द 62 गीस, गीस से पूछती हैं। एंड द लार्ज रेड रूस्टर, और रूस्टर से भी पूछती हैं। बट दे ऑल सेड द सेम थिंग, लेकिन सब एक ही बात कहते हैं। We have not seen Farmer Ben's boot. हमने Farmer Ben का boot नहीं देखा। Now let us get on with eating, please. और please हमें खाना खाने दो। Zinka was worried. Zinka बहुत परेशान हो जाती है। No one had seen Farmer Ben's boot. किसी ने भी Farmer Ben का boot नहीं देखा। Where could it be? ये कहाँ हो सकता है? Have you seen Farmer Ben's boot? Zinka asks the cats. अब वो कैट से पूछती है, क्या तुमने फार्मर बैन का बूट देखा है। नो सेड द फर्स्ट कैट। पहली बिल्ली कहती है नहीं। नो सेड द सेकंड कैट। दूसरी बिल्ली भी यही कहती है कि नहीं। वेल परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। सेड द थर्ड कैट। तीसरी बिल्ली कहती है, शायद मैंने देखा है। इट इज़ फनी यू शुड आस्क, और ये हंसने की बात है कि तुम्हें पूछना भी चाहिए। आई वॉज इन द बार्न, मैं गोदाम में थी। लुकिंग फॉर माइस दिस मॉर्निंग, इस सुबह चूहे ढूंढ रही थी। देयर वर नो माइस देयर, वहाँ चूहे तो नहीं थे। बट आई डिड सी अ ब्राउन बूट, लेकिन मैंने एक ब्राउन बूट देखा है। जिंका डिड नॉट वेट, जिंका इंतज़ार नहीं करती। शी रैन टू द बार्न, वो गोदाम की तरफ दौड़ती है। एंड श्योर इनफ, और देयर वॉज द बूट, और वहाँ पे उसे बूट मिल ही जाता है। जिंका पिक अप द बूट, जिंका बूट उठा लेती है। एंड रश्ड ऑफ टू फाइंड फार्मर बैन, और फार्मर बैन को ढूंढने के लिए तेज़ी से भागती है। हाउ हैप्पी ही वॉज टू सी हिज बूट अगेन।
वो अपने बूट को वापस देके कितने खुश होंगे। व्हाट अ गुड गर्ल यू आर, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो, सेड फार्मर बैन। फार्मर बैन कहते हैं। ही टुक द बूट फ्रॉम जिंका एंड पैटेड हर, वो जिंका से बूट ले लेते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। आई शैल सिट डाउन राइट नाउ एंड पुट इट ऑन, अब मुझे बैठ जाना चाहिए और इसे पहन लेना चाहिए, सेड फार्मर बैन। फार्मर बैन कहते हैं। सो फार्मर बैन सेट डाउन एंड टुक ऑफ हिज शू, तो फार्मर बैन बैठ जाते हैं और अपना शू उतारते हैं। देन ही पुट द बूट ऑन, फिर वो अपना बूट पहन लेते हैं। बट ओ डियर, लेकिन क्या होता है, एज फार्मर बैन पुट ऑन द बूट, जैसे ही फार्मर बैन बूट पहनते हैं, ही जम्प्ड अप इन द एयर, वो हवा में उछल पड़ते हैं। आई शी शाउटेड, वो चिल्लाते हैं जैसे कि उन्हें कोई तकलीफ हुई हो। एंड हॉप्ड अबाउट द यार्ड, और बहुत ऊंचा उछल पड़ते हैं। फार्मर बैन किक द बूट ऑफ, फार्मर बैन झटके से उस बूट को उतारते हैं। इट वेंट फ्लाइंग हाई अप इन द एयर, और जो बूट था वो हवा में उछल उड़ पड़ता है। फार्मर बैन फेल, फार्मर बैन गिर जाते हैं। एंड लैंडेड इन द मड विद अ थड, और एक बहुत ही तेज़ आवाज़ से कीचड़ में गिर जाते हैं। द बूट लैंडेड विद अ थड इन द मड राइट नेक्स्ट टू द फार्मर बैन, बूट भी फार्मर बैन के साथ ही कीचड़ में एक तेज़ आवाज़ से गिर जाता है। एंड होल्डिंग ऑन टू फार्मर बैन्स टोज वर फाइव वाइट बेबी माइस, और उनके पैरों पर छोटे छोटे चूहों के बच्चे लटके हुए होते हैं। पुअर वाइट माउस, बेचारे वाइट माइस, दे वुड हैव टू फाइंड अनदर होम नाउ, अब उनको अपना कोई और घर ढूंढना पड़ेगा।